राष्ट्र मंत्री बताए। भाई जब सदन में कोई सदस्य बोल रहा है तो सरकार के मंत्रियों को तो परहेज रखना चाहिए, उनका कोई विधायक टोका टोकी करे बात समझ में आती है। पर एक ऐसा मंत्री जिसके बारे में हम लोग रोज़ आरोप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो निर्णय हो रहे हैं वो अनियमित निर्णय हो रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो ऐसी बातें आना स्वाभाविक है। यही संदर्भ था इसका। जिस तरह से आप आरोप लगाए, क्या उसमें सच्चाई है जो भ्रष्ट वो मंत्री है? अब वो साबित कर दें मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैंने तो पहले भी आरोप लगाया है, कोई पहली बार आरोप नहीं लगाया उन्होंने। उन्होंने तो खड़ा होकर ये कहना चाहा कि इसको कार्यसूची से बाहर कर दिया जाए, राज्यपाल ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने तो उनकी बात सुनी नहीं। तो आज प्रोसीडिंग का अंग है, जो हमारा भाषण हुआ वो लाइव है, उसकी तस्वीरें भी हैं और उसमें आवाज़ भी है, वो तो सारे मीडिया में भी जाएगी, सोशल मीडिया में भी जाएगी। मैंने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है। सर, आज जो विश्वास मत हासिल किया है इसको किस रूप में देखते हैं आप? बेवाकआउट कर गए। हाँ, ये निरर्थक कवायद थी। मैंने शुरू में कहा कि भाई जब आपकी सरकार बनी थी तो मेरे सहित 54 विधायकों का समर्थन आपकी सरकार को था, आपकी सरकार से कुछ उम्मीदें थी। सबूत के साथ भ्रष्टाचार के जो मामले उठाए जाएंगे उन पर आप कार्रवाई करेंगे, आपकी सरकार के मंत्री सदन में सही उत्तर देंगे। ये नहीं होता है, सही उत्तर नहीं रखता है। हम लोग विधानसभा अध्यक्ष को लिखते हैं, वो विधानसभा समिति को भेजते हैं, समिति निर्देश देती है, अधिकारी उसका भी पालन नहीं करते हैं। मेरे ही प्रश्नों के बारे में सरकार ने जो स्वीकार किया, सरकार के आदेश निकले मगर जिलों में आज तक अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया। तो आपकी ऐसी सरकार है तो पहले जो निर्णय हम लोगों का था उस पर पुनर्विचार करने की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस विश्वास मत के पक्ष में नहीं था, और पक्ष में इसलिए भी नहीं था कि विश्वास मत प्राप्त करने की जो कवायद हुई ये निरर्थक थी। विधानसभा को बुलाना नहीं चाहिए था, विधानसभा बुलाई गई। जो बहुमत इनको पहले से मुख्यमंत्री के नाते प्राप्त था, हेमंत जी ने फिर से रखा कि सदन का बहुमत हमको प्राप्त है साहब, तो जिनका बहुमत प्राप्त था वही सदन में आपके पक्ष में खड़ा हुए। पहले यह बहुमत सामान्य रूप से प्राप्त था, आज लगा कि बहुमत बनावटी है, ये बहुमत कांग्रेस के विधायकों पर जबरदस्ती करके प्राप्त की जा रही है। उन पर संदेह नहीं रहता तो आप उनको रायपुर नहीं भेजते, बस में बंद करके सीधे विधानसभा में नहीं लाते। इसलिए मैंने कहा कि विधानसभा का सत्र समाप्त होगा तो फिर ये विधायक कहाँ जाएंगे, ये सवाल है। ये फिर रायपुर जाएंगे कि अपने अपने घरों में जाएंगे? तो अब इस तरह से जब बहुमत प्राप्त किया तो लगता है कांग्रेस के गर्दन पर आपने छुरी रखकर ज़बरदस्ती आप उनसे यहाँ कहवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को बड़ा नुकसान हुआ है कि पहले सभी मानते थे आपको बहुमत प्राप्त है, अब उससे साबित हो रहा है कि बहुमत ज़बरदस्ती का बहुमत है, यह स्वाभाविक और सामान्य बहुमत नहीं है। ठीक।